कड़ा तो था डमी हो रहा हाथ है ना। हाँ देख भाई दूध बदल हो गए जंग आ गए आज आड़े ओ भाई पानी भर गया सारे के। ओ भाई कमाल है भाई देख ऐसा बात अच्छा काट है कम है हाँ। बाकी पिला दिया वाह भाई वाह इतनी बारिश में यार हाँ तो लेने वाला की भी तो हिम्मत है ये भी इनने भी तो खुराक चाहिए सारा दुखी हो रहे हैं पूरी रात के अब देख लो वो भी वापिस हो ली ना हाँ सब ये भाग ना हम इकट्ठी हो जाएंगे चलो गजब ये अद्भुत इनका निर्देश जो है ना बोल दिया तो बोल दिया ये है ये स्वामी भक्त बोलते हैं ना कांकरेज को। सभी को सादर नमस्ते जी तारीख है 20/8/2024 सुबह 8:30 के आसपास का समय है और चारों तरफ है ना अद्भुत मौसम है मतलब बादल जो है ना भर रहे हैं पानी के और ले कर चल रहे हैं उलारे कित बरसेंगे आज ज़बरदस्त बारिश हुई है 5 बजे लगभग शुरू हो गई थी सारे खेतों में कसुत्ता पानी भर रहा है देखो। अरे उधर है सेनार गायों का डेरा दूध लेने जाऊंगा स्कूटी पाया हूँ 6 किलोमीटर दूर है मेरे गांव से ये नारी के इधर बैक साइड में बैठे हैं लामपुर ये लामपुर गांव है दिल्ली का तो चलते हैं दिखाते हैं इनका थोड़ा संघर्ष दिखाने का प्रयास करेंगे अपना तो दिखे है तो पता है भाई तो बारिश में क्या क्या कठिनाइयाँ हों हर के लाभ हों एक तालाब है घास जो है ना पर्याप्त मात्रा में गायों ने मिल रहा है खूब चरे हैं बढ़िया क्रिया परंतु रात को जो आराम है ना वो नहीं हो पाता एक तो मच्छर डांस खा रहे हैं गाय ने भी और गौपालकों ने भी भाई मनुष्य तो अपना राग होंडा कुछ कर ले है इंजाम मच्छरदानी कुछ लगा ले जो भी इंजाम कर ले वो कर ले पर गायें बेचारी क्या करें नीचे पानी और ऊपर मच्छर तो परेशान तो हो जाए पेट तो भर जाए पर परेशानी बहुत हो है संघर्ष पूछेंगे सहनाते हैं भाई बारिश के लाभ है और के नुकसान है ये है लाभ तो भाई है रहा सारा खूब मिल जाए है वैसा खर्चा होता नहीं परंतु गाय परेशान हो जाए और ये सबसे मजबूत गाय है क्यों क्योंकि बारिश में ही बाहर रहे ठंड में ही बाहर रहे ओढ़े आओ बारिश आओ गर्मी पड़ो कुछ भी हो हर वक्त बाहर रहे देखो बारिश ही फिर शुरू होगी है तो चलते हैं आगे मिलते हैं दिखाते हैं बंद कर लेता हूँ अभी देखो भाई पानी में गए सब सब मार दे हाथ में दूध की ड्रामी 10 किलो लेकर जाऊंगा बालक तो जा लिए वापिस देखो भाई जोड़ भरा कति देखो गाय कति पानी के मैं खड़ी और है ना पानी में कड़ लाग रहे देखो यो देखो सब पानी में लाग रहे और ये कर रहे डेरा तो भाई बहुत ज्यादा बारिश हो रही है अरे उदाऊ ऊंचे से पे नीचे झील है पानी उतरेगा फैसे ये काटते घड़े पे बस है ना देखो दूध ले काम लग रहा है रहे सहना है यो बीज गया देख ले पानी में गए पानी के मैं के छबकारे मारते हुए देखो भाई चुकर बंद रहे हैं जड़ाए मरन लाग रहे हैं ये तो भोग है यही है भोग भाई सहना तो घड़ी मेहनत है आज तो जोड़ में है कति ओ रण छोड़ जी भाई आज तो बहुत मेहनत है ये देखो भाई इनका संघर्ष रहे कति देखो नु समुंदर भरा है
और देख सैना दूध ले आया काट का पानी में, भाई बड़ी मेहनत, भाई बड़ी मेहनत भाई। चप्पल वप्पल जूते जाते काट दे, जूते काट दे जब भी काम चल लगा। गड़ा तो साढ़ा मी हो रहा हाथ है ना। देख भाई दूध बदल हो गए जंग आ गए आज आड़े। ओ भाई पानी भर गया सारे के। ओ भाई कमाल है भाई। देख ऐसा बात, ये तो घना छोटा बच्चा है सेना, दो दिन का। देख ले भाई नू तप जाए ये, हालांकि भीतर कर रखा पर बाहर आ गया, अपने आप बाहर आ गया है। मैं अभी भाई फोन नहीं बेकस आ रहा हूँ, लेके चल पड़ेगा कहे, चल पड़ी कहे फिर मैं कहा ना आगी। अच्छा आड़ ले आओ रेने सेना, बारिश में ये इंटरव्यू दे दे थोड़ा। हाँ ये बता, बारिश के लाभ और नुकसान, फायदे के है नुकसान के है, नुकसान के और फायदा के है। हाँ देखो एक बात और, हाँ नुकसान तो ये घना पानी हो जाए तो सारा पानी में दुखी रहे, पूरी रात बैठे नहीं होंगे, मच्छर खा लें। आज का दिन है ना, हाँ उसमें तो पूरी रात बैठ के बैठे नहीं ना कहीं, पूरी रात बैठे नहीं, बारिश ना तो भी मच्छर बहुत है, मच्छर में ना बैठ के। हाँ तो पूरी रात खड़ी, ये तो नुकसान हो गया। और फायदा घास, फायदा ये आएगा जैसे घास पानी तो इससे टाइम टाइम पर बारिश हो जाएगा तो घास बढ़ेगी, नहीं तो घास कटेगी। हाँ फिर खाऊंगी के, फिर भूखे मरे, फिर वो बाहर दमोल का लिया खोड़। बारिश जरूरी भी है और घनी भी जरूरी ना है, मीडियम से हो जाए, पर आज तो बस आड़ा पड़ रहा है, घनी होगी। देखो सारी गायें ये आली उरे भाई, ऐसा नजारा अद्भुत नजारा बहुत ही कम देखने को मिलता, अद्भुत कहोगे या क्या कहोगे भाई। देख सारी ये तो डेरे कह ना गई, ये बोला ही है कि तुम रुका मार गए। अच्छा जिस साइड से बारिश आएगी दूसरी साइड हो ले गाय, अभी इसको मैं रोकूंगा तो फिर यहाँ पे खड़ी हो जाएगी। अच्छा वाह भाई वाह। अच्छा आप रोकेगा, ले भाई मैं भी बारिश में। पर एक बात है सेना, गायें साफ होगी सारी। रंग सारी का साफ हो गया भाई। अच्छा अब रुक गई, अच्छा अब रुक गई, एक बार बोलना है, अब यही रुक जाएंगे ना तो आगे बढ़े जाए। अब देख लो वो भी वापिस हो ली ना, सब ये भाग ना हमें इकट्ठी हो जाएंगे। चलो गजब, यह तो भूत इनका निर्देश जो है ना, बोल दिया तो बोल दिया, ये है ये स्वामी भक्त बोलते हैं ना कांकरेज को। और मैं कहता हूँ बार बार वीडियो में भी, कांकरेज सबसे ताकतवर गाय है, ताकतवर भी है क्योंकि बारिश ने भी झेल रहा है, ओला ने भी झेल रहा है, और गर्मी ने झेल रहा है, और ठंड ने भी झेल रहा है, बारू मास बार रहे हैं, जड्डा चट गया जाए दूध गाल दे। तो भाई बारिश में मन ने भी फोन मंगा ले, फोन ना चलने दो, तो वाटर प्रूफ कुछ ना हो इसका। तो भाई आज का ये नज़ारा अद्भुत है, बहुत तो कम देखने को मिला है। ये भी परली साइड होली रहेंगे इस एरिया में, दस किलो डाल दे। ले बस इन्होंने दूध गाल दिया है, ड्रामी कर दिया तूरे ने, इतना ही काट दिया बस। अच्छा काट है कम है, बाकी पिला दिया। वाह भाई वाह, इतनी बारिश में यार। हाँ तो लेने वाला की भी तो हिम्मत है, ये भी इनने भी तो खुराक चाहिए, सारा दुखी हो रहे हैं भाई पूरी रात के। ठीक बात ठीक बात, ले बस नू घूमे जाएंगे। अरे यो गमना, गमना का सीन दिखाऊंगा, गमना भी मेहनती आदमी है। देख
बारिश में ही सब दूध निकालने लग रहे हैं। तो भाई इन दृश्यों के साथ सभी को सादर नमस्ते, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत करनी पड़े दूध पीने वाले ने भी और दूध देने वाले ने भी, और जो माता गौ माता दे रही है उसकी तो मेहनत है ही अलग भाई। तो चलते हैं, सभी को सादर नमस्ते।